हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं। BCA सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन MSc यूनिवर्सिटी का अभी कंप्लीट हुआ है। सी प्रोग्रामिंग का कोड 202 और पेपर कोड है 22-8002। देखते हैं, इसको एनालिसिस करके देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, आपने बहुत सारे पढ़े भी होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं और पेपर आई थिंक सभी को ईजी भी लगा। मुझे लगता है थोड़ा सा मीडियम सा पेपर था, स्टैंडर्ड सही था और थोड़ा सा टफेस्ट भी था और थोड़ा सा कह सकते हैं सिंपल भी था, तो मिक्स पेपर था। चलिए एनालिसिस करते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। आप सब, मैं बुकलेट सीरीज ए को एनालिसिस कर रहा हूँ, आप भी अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। एक तरह से आंसर की है ये, कुछ क्वेश्चंस के जैसे ही ऑफिशियल की आपके तभी पता चलेगी जब MSc यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। तब तक के लिए आप ये की से आप अपने फाइनल आंसर्स को चेक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें भी गलत आए थे, तो उन पे आपको आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स पे आपको, अगर कोई क्वेश्चंस मिसप्रिंट हो गया था तो उस पे आपको सभी को मार्क्स पूरे दिए जाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन इंटीजर एरे पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, हाउ मेनी बाइट्स विल बी स्किप्ड टू रीच नेक्स्ट एलिमेंट। तो देखिएगा, इंटीजर एरे है आपकी और 1 by 1 0 1 2 3, तो सभी को पता है दो बाइट्स आपकी यूज होती है, तो आंसर इज 2, बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द सी एरे इंट एरे 10 और 5। देखिएगा, जितने भी ब्रैकेट बने होते हैं मल्टी डायमेंशन, अगर ये ARY 10 होता तो ये सिंगल डायमेंशन की होती, ARY 10 और 5 है तो ये 2 डायमेंशन एरे हो गई है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे इन द ब्लो सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम दे रखा है, देखिएगा आपका मेन के नीचे इंटीजर एरे ब्रैकेट में ए दे रखा है, रिटर्न 0। देखिएगा यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे एरे के अंदर एक डिजिट आती है जो इसने डिफाइन नहीं की है, बाय मिस्टेक ये हो सकता है, बाय मिस्टेक ये हुआ हो, ऑप्शंस इसने ऐसे दे नहीं रखे तो ये कुछ रॉन्ग प्रिंट हो गया है। एक ही जगह हो सकता है ये 9 होगा, अगर ये एक ही जगह 9 था तो आंसर इज़ द बी, सही है ना। इंट ARY और 9, इनने साइज पूछा है तो साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इसमें जो डिजिट होती है इंटीजर की रेंज में जो आपको गिवन होती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए ए गिवन है तो आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है इसमें, और अगर डिजिट दी होती तो इसमें अगर 9 डिजिट होती तो 9 आता, जो भी डिजिट होती वही आंसर आता, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया इसका, रॉन्ग मिसप्रिंट है, ए की वैल्यू नहीं गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट हैपन व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस एन एरे वेरिएबल आउटसाइड इट साइज। जब हम क्या करते हैं, एरे ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं जो आउटसाइड ऑफ द एरे होता है, तो कैसे क्या आंसर आता है, तो सम गार्बेज वैल्यू विल बी रिटर्न, कोई भी गार्बेज वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाती है सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, एन एंटायर एरे इज ऑलवेज पास्ड बाय, जो पूरी की पूरी है एरे है वो कैसे पास्ड होती है, टू ए कॉल्ड फंक्शन, कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू होती है, वो किसके थ्रू होती है, कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस बट नॉट सी। सी में नहीं होता, सी प्लस प्लस में प्रोवाइडेड, तो बुलियन वेरिएबल, जो बुलियन वेरिएबल है वो आपके सी प्लस प्लस में, सी में बट नॉट इन सी, सी में नहीं होते। नेक्स्ट इज, व्हाट इज एन एरे बेस एड्रेस इन सी लैंग्वेज। तो बेस एड्रेस क्या होता है सी में, एरे का बेस एड्रेस, देखिएगा बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट, बिल्कुल सही। एन एरे बी बेस एड्रेस इज एंड बी जीरो, बिल्कुल सही। एन एरे बी बेस एड्रेस कैन बी प्रिंटेड बाय द परसेंटाइल डी बी, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 8th, चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी लैंग्वेज एरे। तो एरे के बारे में इनने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, एन एरे साइज कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज क्रिएटेड, आपने अगर क्रिएट कर दिया है तो आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात। एन एरे एलिमेंट वैल्यू कैन बी चेंज एनी नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ एरे एलिमेंट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं,
टू एक्सेस एनथ एलिमेंट ऑफ एन एरे। अगर हमें एनथ एलिमेंट एरे चाहिए या नाइन्थ एलिमेंट या टेंथ एलिमेंट चाहिए, तो एरे स्टूडेंट यूज स्टूडेंट एन माइनस वन एज द इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स टू जीरो। बिल्कुल सही, जीरो से एन माइनस वन तक ही हम यानी कि अगर नाइन्थ चलाना है तो जीरो से एट तक ही चलेगा, तो जीरो से एट कितने हो गए, टोटल नाइन। तो डी इज द ऑल ऑफ द एवर इज द करेक्ट आंसर। इसका भी फाइनल आंसर की आएगी तो उससे हमें कुछ ऑप्शंस करेक्ट पता चल जाएंगे। मैंने जल्दबाजी में आंसर्स निकाल के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है, तो देखते हैं। एन एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ, एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाइन्थ का तो बहुत सिंपल था, पढ़ भी रखा होगा, सभी को पढ़ाया भी होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ एरे, एरे का कौन कौन से टाइप इसमें पूछ रखा है, स्ट्रक्चर एनम कैरेक्टर इंटीजर लॉन्ग, ये फ्लोक नहीं है, फ्लोट होगा। तो ऑल ऑफ द एबव जो इसका आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्लोट फ्लोक को आप ये ना समझें, मिसप्रिंटिंग है ये कहीं से। चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी लैंग्वेज एरे। देखिएगा एक फिर से आगे, एन एरे एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इटसेल्फ। बिल्कुल सही है। एन एरे साइज मस्ट बी डिक्लेयर इफ नॉट इनिशलाइज इमिडिएटली। सही। एरे साइज इज द सम ऑफ साइज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे। बिल्कुल सही है। तो ये भी इसका आंसर भी डी है, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द एन एरे इन सी लैंग्वेज। देखिए एरे के बाद में कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। बिल्कुल सही है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, कैरेक्टर है कैरेक्टर। एन बी ऑप्शन क्या कहता है, ये एन एरे कंटेन मोर देन वन एलिमेंट। हाँ, अगर आप एक एलिमेंट नहीं, एक से ज़्यादा एलिमेंट आप एक ही वेरिएबल में स्टोर कराने, तो आप एरे का यूज़ कर सकते हैं। एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन ए कंटिग्यूस फैशन। कंटिग्यूस का फैशन है वन के बाद टू, टू के बाद थ्री। बिल्कुल सही। तो इसका भी ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड, 13 क्वेश्चन है। एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ पी इज एन इंटीजर पॉइंटर विद ए वैल्यू 1000, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी प्लस 5। तो अगर हम 32 बिट का सिस्टम मानते हैं तो साइज ऑफ इंट कितना हो जाता है, 4 बाइट हो जाता है। तो पी प्लस 5 अगर आप देखें तो फिफ्थ लोकेशन जाने के लिए 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। तो 10020 इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 4 बाइट लेता है इंटीजर। तो 5 आपको जाना है, पी प्लस 5 पूछ रहा है, पी की इसने लोकेशन दे रखी 1000। तो फिफ्थ लोकेशन आपको हर, अगर हम इंटीजर को 4 बाइट्स का मानते हैं तो ये होगा 1020 लोकेशन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस द 7th एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे। अगर आपको एक्सेस करना है 7th एलिमेंट, तो एरे कौन सी पोजीशन पे होगा, एरे 6 पे। बिल्कुल सही, एरे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए टाइप कैन बी डिटरमाइन यूजिंग विच ऑपरेटर्स। अगर आप साइज जानना चाहते हैं, किस टाइप का वेरिएबल आपने क्रिएट करा, इंटीजर का साइज कितना होगा, तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर, बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। अब कौन सी लैंग्वेज में फंक्शन ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल है। देखिए आपने सी में तो पढ़ी नहीं है, तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको आंसर देना था, तो ए इज द करेक्ट आंसर, सी प्लस प्लस में पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डायमेंशनल ऑफ द सी एरे। तो देखिएगा ये तो सिंगल डायमेंशन है, एक ही एरे, एक ही मल्टी एरे में एक ही एक एरे ब्रैकेट सिंगल ब्रैकेट दे रखा है, तो सिंगल डायमेंशनल एरे हो गई। व्हाट डज ये स्लैश ए है, एस्केप कोड रिप्रेजेंट। तो स्लैश ए रिप्रेजेंट अगर आप देखें तो ये अलर्ट के लिए यूज होता है, सही है ना, अलर्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये मिस प्रिंट हुआ है। व्हाट इज द फंक्शन यूज टू एलोकेट मेमोरी टू एन एरे एट रन टाइम विदाउट इनिशियलाइजेशन एरे एलिमेंट। तो मैलॉक फंक्शन यूज करते हैं हम उसके लिए। दो फंक्शन होते हैं ए आपको मेमोरी क्रिएट करने के लिए, एक तो कैलॉक और एक मैलॉक। तो दोनों में से आप यूज़ करते हैं, इसने पूछा था रन टाइम विदाउट इनिशलाइजिंग एरे एलिमेंट्स, तो मैलॉक फंक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोकेट यूज टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम विथ जीरो इनिशियल वैल्यू टू ईच, तो वो हम करेंगे कैलॉग फंक्शन से। किससे करेंगे? कैलॉग फंक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ सी एरे। अब सी एरे की नीड क्यों पड़ती है? तो यू अगर हम एरे को का की नीड हमें क्यों पढ़ना पड़ा एरे को के बारे में, तो ऑप्शंस दे रखे हैं यू नीड टू क्रिएट सो मैनी सेपरेट वेरिएबल एंड गेट कंफ्यूज व्हाइल यूजिंग ए सिंगल एरे वेरिएबल यू कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे इजीली। बिल्कुल सही, दो ए भी सही। कोड मेंटेनेबिलिटी इज ईजी फॉर प्रोग्रामर्स। भाई देखिएगा इसका आंसर कैसे, मान लीजिए आपको लॉट्स ऑफ 100 एलिमेंट, आपको मान लीजिए 100 वैल्यूज आपको जोड़नी है, तो 100 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। आप जब 100 वेरिएबल को जोड़ेंगे वन बाई वन, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। आप एक ही वेरिएबल में सारी वैल्यूज इनपुट करा लीजिए और फिर उसे ऐड कर दीजिए, तो आप एरे बहुत ही शॉर्ट वे में काम कर देता है। तो इसलिए हमें एरे की नीड पड़ी और बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहीं कहीं पे भी आपको सेम टाइप के डेटा टाइप चाहिए तो आप एरे का यूज़ करते हैं, बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं। कैन वी चेंज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे फ्रॉम 0 to 1 इन एरे वे? तो ऐसा कोई वे नहीं है, 0 इंडेक्स उसकी स्टार्टिंग वे रहती है, तो स्टार्टिंग नन ऑफ द एवव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एवव। कोई भी मेथड नहीं है इसमें से जो दे रखें। What is the minimum and maximum? इसमें से जो options correct हैं वही हमें check करना है, नहीं मिलता तो वो हमें wrong कर देना। What is the minimum and maximum indexes of this blow array? अब देखिएगा इसमें भी ये क्या एक misprint कर दिया, इसने A लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका size given करता। ऑप्शन तो इसने दे रखे हैं लेकिन साइज़ नहीं गिवन कर रखा। देखिए -1 to 8, 1 to 9, मुझे लगता है ए की वैल्यू 9 थी, तो अगर ए की वैल्यू 9 होती तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होता, 0 to 8 तक चलता। अब आप इसमें जो भी आंसर लगाएंगे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, नन ऑफ द एवव इसका आंसर हो सकता है, आप वो भी दे दें तो वो भी चलेगा, कोई भी ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि ए की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच इज़ करेक्ट और नॉट। वैसे डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आप ए की इसमें अगर आप लगाते हैं। वट इज़ द मल्टी डायमेंशन एरे इन सी लैंग्वेज? जो मल्टी डायमेंशन होती है यानी सिंगल डायमेंशन, जो आपने देखा होगा सिंगल ब्रैकेट डबल ब्रैकेट मल्टी डायमेंशन में आ जाती है, तो इट इज़ लाइक ए मैट्रिक्स फॉर्म, 3x3 की मैट्रिक्स, 4x4 की मैट्रिक्स। इट इज़ एन एरे ऑफ एरेज, एरे की एरे ऑफ एरेज, बिल्कुल सही। टू एक्सेस थर्ड एंड सेकेंड एलिमेंट टू यूज 2 1, तो ऑल ऑफ द मैंशन जो हैं ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए मल्टी डायमेंशन एरे ऑफ डायमेंशन एन इज़ ए कलेक्शन ऑफ कितने डायमेंशन की होगी? तो एन माइनस वन डायमेंशन एरे, सही है ना, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़े टिपिकल भी हैं, मुझे लगता है बहुतों ने पढ़े भी होंगे और कुछ ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अच्छे स्टैंडर्ड को पेपर बना रखा है, अगर आप देखें तो सारा कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग है और स्टैंडर्ड है, लेकिन 50% आप कर सकते हैं इस पेपर में, लेकिन 50% वही इम्पॉर्टेंट टास्क हैं जो जिसने पढ़ा है। देखते हैं 27 को, विच फंक्शन इज़ यूज टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज़ ए नंबर? तो उसके लिए एक इसमें फंक्शन आता है इज़ डिजिट, बिल्कुल सही है, जो बताता है वो कैरेक्टर नंबर है या नहीं, तो इज़ डिजिट बिल्कुल सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? फाइल ओपनिंग मोड कौन से होते हैं? रीड भी होता है, राइट और आर बी, तो तीनों मोड फाइल ओपनिंग मोड होते हैं, आर बी बी, आर बी और डब्ल्यू बी, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी? देखिएगा आपने एक्सटर्न टाइप डेफ और स्टैटिक सब पढ़ा होगा, तो वॉलेटाइल नहीं होता, वॉलेटाइल कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं है, तो वॉलेटाइल इज़ द करेक्ट आंसर 29th का ए। What is the format specifier used to print a string or character? तो character array एक यानी group of string भी पूछ रहा है, तो हम कैसे करते हैं? percentile s से single character आता है, एक ही alphabet आएगा और percentile s से पूरी string उठ सकती है। Next question, what is the output of the C program of the string? string का एक program है, globe दे रखा है character str में,
परसेंटाइल एस एस टी आर प्रिंट करा रहा है, सिंपल ग्लो भी प्रिंट कर देगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अगर फर्स्ट एलिमेंट चाहते हैं तो कौन सी लोकेशन पे होगा, जीरो, एरे ए आर आर वाई जीरो, तो ए इज द करेक्ट आंसर है, जीरो लोकेशन पे पहला एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट इज द साइज ऑफ द इंट डेटा टाइप इन बाइट्स में पूछा है, तो 4 बाइट्स आपका बिल्कुल क्लियर है अगर आप बाइट्स में पूछ रहे हैं। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी एरे पॉइंटर, एरे और पॉइंटर और स्ट्रिंग बहुत पूछी गई है, अच्छे क्वेश्चन है। यू कैन कंपेयर टू एरे एलिमेंट विथ पॉइंटर इजिकल टू पॉइंटर पी प्लस आई, बिल्कुल दो तुलना कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर टू पॉइंटर विथ पी वन इजिकल टू पी टू, बिल्कुल सही। एक्सेसिंग आउट ऑफ बाउंड्स इंडेक्स एलिमेंट इज वैलिड एंड इट रिटर्न्स ए गार्बेज, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द एवव इज द करेक्ट आंसर, तो इसमें भी ऑल ऑफ द एवव, मुझे लगता है इस पेपर में जिसने भी बनाया है उसने उपरोक्त सभी को बहुत ही महत्ता दी है। अगर किसी ने भी ऑल ऑफ द एवव जहाँ पे भी देखा अगर टिक लगा दिया होता तो आई थिंक 25 क्वेश्चन तो सही हो जाते सभी के। चलिए वो, लेकिन बहुत बढ़िया पेपर है, अच्छा पेपर है, स्टैंडर्ड पेपर है। चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट विद एरे पॉइंटर्स, इट इज़ वैलिड टू एड इंटीजर नंबर टू एरे पॉइंटर, बिल्कुल सही। इट इज़ वैलिड टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर नंबर, बिल्कुल कर सकता है। डिफरेंस ऑफ पॉइंटर ऑफ एरे एलिमेंट गिव्स डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सेस, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द वैल्यू ऑफ 132.54 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच डे, कौन से डेटा टाइप में डेसिमल पॉइंट आता है, सभी को पढ़ा रखा है, तो आप डबल का यूज़ करेंगे। देखिएगा फ्लोट नहीं है तो डबल तो दे रखा है इसमें। हाउ मैनी वेरिएबल कैन द फॉलोइंग स्ट्रिंग कंटेन बी ए टी 45, कितने वेरिएबल कंटेन करेगा ये, तो 45 ही वेरिएबल कंटेन करेगा, तो ये हो गया डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the wrong way of writing C language? तो देखिएगा I capital नहीं लिखते, capital और small का भी ध्यान रखेंगे, float का F भी capital नहीं होता है, integer का I भी integer के साथ @rate भी नहीं आता, cat के साथ एक dash भी नहीं आता, integer में capital I नहीं लेते, I small लेता है, I N T। तो इसमें इज़ द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग सी लैंग्वेज, तो ऑल ऑफ द एवव, मैंने कहा ना ऑल ऑफ द एवव बिल्कुल सही है उपरोक्त सभी लगाने के लिए आंसर। व्हाट आर द टाइप ऑफ डेटा अलाउडेड इनसाइड ए स्ट्रक्चर, कैरेक्टर एनम यूनियन, स्ट्रक्चर के अंदर हम सब दे सकते हैं, इंटीजर फ्लोट डबल लॉन्ग डबल पॉइंटर स्ट्रक्चर सब कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्ट आपने देखा होगा सारे वेरिएबल इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट सब डिफाइन कर सकते हैं। चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्केप सिक्वेंस, इसके स्लैश एन से न्यू लाइन आती है, स्लैश सी से टैब होता है, स्लैश बी से बैक स्पेस होता है, तो ऑल ऑफ द अबव 40 का भी आपको करेक्ट आंसर वही मिला रोक सभी। चूज ए करेक्ट सी स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रिंग फंक्शन, देखिएगा स्ट्रिंग पहला देखते हैं, इंटीजर एन एस टी आर एल एन स्ट्रिंग लेंथ डबल कोट्स में ए बी सी रिटर्न 3A, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रिंग आर ए बी आर ए बी सी स्ट्रिंग ए बी सी स्ट्रिंग आर ए बी सी रिटर्न ए बी सी, ऑल ऑफ द अबव चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न 3, बिल्कुल सही। स्टार्ट आर ए बी सी रिटर्न ए बी सी, बिल्कुल सही। स्ट्रिंग लोअर अपर करना है अपर कर दिया, लोअर करना है लोअर कर दिया ए बी सी, और लेंथ फाइंड करनी है, तो देखिएगा रिटर्न जो आंसर लिखा है ना उसमें पहले तो हम सोचे थे मेथड गलत है लिखने का, बिल्कुल सही बात है मेथड तो वैसा नहीं है, लेकिन यह क्या बता रहा है, इंटीजर एन इजिकल टू स्ट्रिंग लेंथ बता रहा है, लेंथ कितनी आ जाएगी रिटर्न 3, बिल्कुल 3 रिटर्न करेगा, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब स्ट्रिंग अपर कह रहा है, ये स्ट्रिंग अपर ए बी सी, ए बी सी को एक कैपिटल में बना दिया, बिल्कुल सही। इससे क्या बना दिया लोअर में बना दिया, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर, कुछ सोचना नहीं है इस पेपर में था, ऑल ऑफ द अबव पे टिक लगाना था और कोई सारे आपके आंसर सही हो जाते। व्हाट इज़ द एस्काई वैल्यू ऑफ ए नल, इज़ 0, सही है ना, 0 होती है। चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रिंग फंक्शन, देखिएगा ऑल ऑफ द अबव, स्ट्रिंग रिवर्स ए बी सी डी को रिवर्स कर दिया, स्ट्रिंग कंपेयर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करा, रिटर्न क्या हो जाता है नेगेटिव नंबर, स्ट्रिंग कंपेयर रिटर्न से पॉजिटिव नंबर,
बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेसी स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रिंग फंक्शन। टू अपर ए, अपर कर दिया, डी लोअर डी कर दिया, स्ट्रिंग कंपेयर, रिटर्न नेगेटिव नंबर। बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। देखिएगा बहुत बढ़िया है, स्ट्रिंग वन में जेम्स है, टू में बॉन्ड है। अब कह रहा है स्ट्रिंग कैट, कैट को क्या मतलब है, जोड़ दिया है जेम्स बॉन्ड, स्ट्रिंग टू और वन तो बॉन्ड जेम्स हो गया। अब फिर इसने क्या करा, प्रिंट है परसेंटाइल एन, स्ट्रिंग टू को प्रिंट कराया तो बॉन्ड प्रिंट हुआ पहले, तो फिर स्ट्रिंग वन को प्रिंट कराया तो बॉन्ड जेम्स, बॉन्ड जेम्स जेम्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रिंग कैट करा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, स्ट्रिंग टू को पहले लिया है और स्ट्रिंग वन बाद में, स्ट्रिंग टू और बॉन्ड और जेम्स, और फिर स्ट्रिंग टू को प्रिंट कराया तो बॉन्ड, फिर स्ट्रिंग वन प्रिंट कराई है जेम्स, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग टू में ही बॉन्ड और जेम्स हो गया था, बॉन्ड जेम्स और जेम्स। बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। दे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग टू के अंदर स्ट्रिंग वन को कॉन्केट कर दिया इसने, और स्ट्रिंग टू में अब हो गया है बॉन्ड जेम्स, और स्ट्रिंग टू को जब प्रिंट कराया इसने तो बॉन्ड जेम्स प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग वन को जब प्रिंट कराया तो जेम्स ही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा लगा क्वेश्चन, बढ़िया है, लोग जेम्स बॉन्ड जेम्स भी कर सकते हैं इसमें, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। 46 कहता है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। इंटीजर मेन, प्रिंट एफ, परसेंटाइल सी, हमटी, हमटी टू लिखा हुआ है, तो सेकंड नंबर का आपको ये प्रिंट कराना है, तो सेकंड अल्फाबेट जो इसके अंदर हमटी के आएंगे, स्टार्टिंग वैल्यू 0, 1 एंड 2, एम इज़ करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ एरे ऑफ पॉइंटर और टू स्ट्रिंग। एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग टाइप का, तो देखिए देखते हैं कोड क्या कहता है। इंटीजर मेन, कैरेक्टर पॉइंटर कोड, पहला है इन यू एस ए और के, पहली लोकेशन 0 होती है, दूसरी लोकेशन 1 और तीसरी लोकेशन 2, तीन लोकेशन दे रखी है। प्रिंट है परसेंटाइल एस के रखा कोड 1, तो कोड 1 आपका क्या होगा, 0 1 2, कौन सा 1 लोकेशन पे कौन सा मिलेगा, यूएसए, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। तो आउटपुट बताना है इस क्वेश्चन में भी, थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन 48। इंटीजर मेन, पॉइंटर कोड 2 दे रखा है, कोड 0 में कैरेक्टर पॉइंटर मैलॉक 4 साइज का एक आपको मेमोरी इनिशियलाइजेशन कोड 0 के लिए हमने क्रिएट करने के लिए मैलॉक फंक्शन का यूज़ करा है। स्ट्रिंग कॉपी, कोड 0 में क्या कॉपी कर दिया है हमने, इंडी, आई एन डी, कोड 0 में आई एन डी कॉपी कर दिया है, और प्रिंट एफ क्या प्रिंट कराया, कोड 0 को, तो कोड 0 को प्रिंट क्या करेगा, आई एन डी प्रिंट कर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिएगा इंटीजर कोड जो साइज दे रखा था 2 साइज दे रखा था पॉइंटर के थ्रू, लेकिन उसके अंदर हमने वेरिएबल को क्या कहते हैं वैल्यू तो दी नहीं थी, तो उसके बाद हमने क्या करा, इनिशियलाइजेशन करा, फिर उसके बाद हमने वो प्रोवाइड करा उसके अंदर डेटा। अगर आप उससे पहले कोड प्रिंट कराते कोड 0 इज इक्वल टू कैरेक्टर मैलॉक, तो कुछ भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर पाए। व्हाट इज एक्चुअली पास टू प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन। एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग, क्या प्रिंट, क्या एक्चुअल पास होती है, एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग। 50 क्वेश्चंस में व्हाट वाज द सी प्रोग्रामिंग डेवलप, तो 1972 में डैनिस रिची ने सी को डेवलप करा था, तो हो सकता है ऑप्शन गलत है। 70s 80s ये पूछ रहा है, 70s में हुई थी, 80s में हुए, ये उसके साल को पूछा था, नियर अबाउट 70s में हो गया था, तो अगर आप ये ऑप्शन देखें तो 1972 देना चाहिए था वैसे ही ने। डी इज़ द करेक्ट, डी पे हम टिक लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है आंसर की में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे, तो कैन बी कंसिडर्ड एज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे क्या कहलाता है, एलिमेंट ऑफ द एरे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ए इज द करेक्ट आंसर। आउटपुट आया, आउटपुट देखते हैं, बहुत बढ़िया आउटपुट है ये। एक स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप की, कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग दे रखी ग्लोब, जी एल ओ बी, जी एल ओ बी दे रखा है बस, और प्रिंट करा दिया स्लैश 0 भी दे रखा है, एस टी आर प्रिंट कराया तो ग्लोब प्रिंट करेगा, जी एल ओ बी। देखिएगा स्ट्रिंग में ई नहीं दे रखा है,
और ईवी देना चाहिए था ग्लोब, GLOBE। तो इसका बी देखते हैं क्या आंसर होगा। वैसे तो GLOBE आना चाहिए था, ई भी दे रखा है साथ में, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चेक कर लेंगे इसे बाद में। और आई थिंक अगर ये इस पर सभी को नंबर मिलेंगे क्योंकि स्ट्रिंग से आएगा ही नहीं ये आंसर। GLOBE होना चाहिए था जैसे नीचे दे रखा है। हाउ टू कन्वर्ट दिस कैरेक्टर एरे टू स्ट्रिंग 53। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग ग्लोब दे रखा है, तो अगर आप देखें इस स्ट्रिंग 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसका डी आंसर इज द करेक्ट। आउटपुट पूछ रहा है 54 में, कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग है कैट और सब डबल कोट्स में है, तो डबल कोट्स में स्ट्रिंग को कभी नहीं देते, तो कंपाइलर एरर है। डबल कोट्स में हम नहीं देते, सिंगल कोट्स में प्रोवाइड करी जाती है। तो इसमें आपका कंपाइलर एरर। हाउ 55 क्या हो गया, हाउ मच हाउ मैनी टाइम्स ऑफ एलिमेंट कैन बी कैन एरे स्टोर्ड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट कैन एरे स्टोर्ड। तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सही, ओनली कैरेक्टर टाइप बिल्कुल सही, कैरेक्टर और इंटीजर टाइप बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसका भी डी आंसर सही है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सी स्ट्रिंग, तो नन ऑफ द अबव, कोई भी ऐसी लेंथ हमने नहीं बताई है ना होती है, नन ऑफ द अबव। हाउ डू एक्सेप्ट ए मल्टी वर्ड इनपुट इन सी लैंग्वेज, तो अगर आप मल्टी वर्ड करना चाहते हैं यानी कि स्ट्रिंग को आप लेना चाहते हैं, तो गेट्स GETS गेट्स फंक्शन होता है स्ट्रिंग का। नेक्स्ट है 58, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू हैंडल रिकर्सन इन सी, तो वो होता है स्ट्रैक। इस सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे ये डेटा स्ट्रक्चर तो आपको पता चल जाएगा, और ये रिकर्सन से क्वेश्चन था, तो स्ट्रैक इज द, अगर आपने रिकर्सन पढ़ा होगा, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया भी था आपको, ऐसा टावर ऑफ हैनोई, टावर ऑफ हैनोई को भी आपने अगर देखा होगा तो, और थोड़ा सा हमने स्टैक के बारे में भी बताया था। सही है, जिसने भी करा है सही है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट इज 59, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद स्ट्रिंग पॉइंटर्स, एक कैरेक्टर P1 में गोड, सिंपल पॉइंटर को सिंपल लिया करो, पॉइंटर P2 है, P2 में कुछ भी नहीं इनिशियलाइज है, P2 में क्या कर दिया इन्होंने, P1 डायरेक्ट हम कॉपी कर सकते हैं डेटा को अगर पॉइंटर के थ्रू है, तो P2 में आ गया P1 की वैल्यू और P2 को प्रिंट करा दी, तो गोट इज ऑल्सो प्रिंट एज P2, अगर P2 को प्रिंट करा रहे हैं तो गोट ही प्रिंट करेगी। नेक्स्ट आंसर है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ, आउटपुट बहुत पूछे गए हैं और अच्छे आउटपुट हैं, कन्फ्यूज नहीं होना था। एक कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग है गॉडज़िला, इंटीजर 0 से जब तक PI की वैल्यू नॉट इक्वल टू pointer PI तब तक ये प्रिंट करता रहे, चलता रहे लूप, i=i+1 होता रहे, और तो ये गॉडज़िला ही प्रिंट करेगा, कंपाइलर एरर देगा, p:i दे रखा है, pii की वैल्यू 0 चली तो p0 पे नॉट इक्वल टू पॉइंटर पी की वैल्यू मल्टीप्लाई 0p0p1, गॉडज़िला ही प्रिंट होना चाहिए। चल दिए इसे चेक कर लेंगे, रन टाइम यूज़ करके देखते हैं, इसे मैंने चलाया भी नहीं है, रन करके नहीं देखा, शायद प्रिंट करे गॉडज़िला। नेक्स्ट इज़ द व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद स्ट्रिंग, तो ये देखिएगा एक एरे है डिस्कवरी चैनल, डबल कोट्स में दे रखी, कोई दिक्कत ही नहीं, प्रिंट एरे को प्रिंट करा दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, एरे को प्रिंट करा दिया, डिस्कवरी चैनल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, डिस्कवरी ही देखना। चूज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्ट्रिंग, कैरेक्टर टाइप के एरे है, हेलो डबल डबल कोट्स में दे रखा है, तो कैरेक्टर एरे है, एरे इज ए स्ट्रिंग, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एरे हैज़ नो नल कैरेक्टर, कुछ नहीं है ऐसा, स्ट्रिंग साइज इज नॉट मैंशन, ऐसा कुछ नहीं है, सही है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 63 में विच फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज ए नंबर, तो इज डिजिट, वो फंक्शन क्या होता है, अभी ये रिपीट भी हो गया शायद, इज डिजिट फंक्शन। विच फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर ए कैरेक्टर और अल्फाबेट और ए नंबर कौन सा होगा, तो इज अल्फा होता है, वो कौन सा फंक्शन होता है, इज अल्फा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश से शुरू होती है, सभी को पता होना चाहिए, बहुत सारे हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन करवा रखे होंगे क्लासेस में।
विच हेडर फाइल यूजेस गेट्स फंक्शन, तो इस गेट्स फंक्शन होता है स्टूडियो डॉट एच में ही, स्टूडियो डॉट एच में ही इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिक्लेयर हैं. वट इज एक्चुअली पास्ड इफ यू पास ए स्ट्रक्चर वेरिएबल टू ए फंक्शन, तो कॉपी ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल पास करनी पड़ती. क्या है कॉपी ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल? इसी स्ट्रक्चर और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइव डेटा टाइप. क्या कहते हैं उसे हम? ड्राइव डेटा टाइप. वट वॉज सी प्रोग्रामिंग एडेप्टेड फ्रॉम, वट वॉज सी प्रोग्रामिंग एडेप्टिव फ्रॉम, तो इसका है ऑल ऑफ द मैंशनड C++, सी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन. तो ऊपर के सभी इज द करेक्ट आंसर. देख लेंगे, चेक करेंगे इसे. वैसे तो ये सारी लैंग्वेज से ही अडोप्ट की गई हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल टाइप इन सी लैंग्वेज? वेरिएबल टाइप कौन सा नहीं है? फ्लोट होता है, इंटीजर होता है, ऑल ऑफ द मेंशन दे रखा है, वाइल नहीं होता, वाइल इज अ लूप. 71. व्हाट आर द फ्लोट वेरिएबल्स? फ्लोट वेरिएबल्स में क्या सी होती है? आप देखते होंगे डेसिमल पॉइंट होता है, यानी कि पॉइंट लगा होता है, फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं, डेसिमल वैल्यू. सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन ए मैक्रो? हैज डिफाइन, तो डिफाइन सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द सी कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट ग्लोबल कॉन्स्टेंट? तो ग्लोबल कॉन्स्टेंट के लिए डिफाइन करना पड़ता है, सही है ना? तो डिफाइन डी इज द करेक्ट आंसर. वट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्टल? ऑक्टल होता है 8, तो 0 से 7 तक चलेगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर. हाउ डू यू सेपरेट ए मल्टी लाइन मैक्रो इन सी लैंग्वेज? तो स्लैश से करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, स्लैश ऑपरेटर जो होता है. वट आर द टाइप्स ऑफ सी प्रोसेसर डायरेक्टिव? तो मैक्रो भी होती है, कंडीशन कंपाइलेशन भी आपने पढ़ी थी, उसके अंदर फाइल इंक्लूजन भी पढ़ रखा है, तो तीनों ही होती हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर. लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन इज इक्वलेंट टू, क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है बाई टू से, मल्टीप्लिकेशन बाई टू, लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 011 एंड 1100? देखिए मैंने बहुत क्वेश्चंस करा रखे हैं इस पे. एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन के लिए आपको टेबल पता है कैसे करना होता है, आप टेबल के अकॉर्डिंग निकालेंगे. 0100 बिट्स में कैसे कैसे मैंने टेबल बनवाई थी, एंड की टेबल और की टेबल अगर आपने पढ़ी होगी ज़रूर आप आंसर देंगे इसका भी. लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी मैंने बहुत बार बताया है, लेफ्ट करना है, दो बिट को लेफ्ट करना है, तो देखिएगा ए आंसर है, बिल्कुल सही है. और राइट करना है, बिल्कुल दो बिट आप क्या करो, जोड़ दो इसमें, तो दो बिट जोड़ दो, यानी दो जीरो स्टार्टिंग में जोड़ जाएंगे, तो स्टार्टिंग में 5 जीरो हो जाएंगे. तो देखिए पहला ही ऑप्शन दिख रहा है. वट आर द रिजल्ट ऑफ राइट शिफ्ट में क्या होगा? दो जीरो हट जाएंगे, जो आगे की डिजिट होती हैं वो हट जाती हैं, तो राइट साइड की दो डिजिट हट गई, जितना मैंने लाइन खींची उतना इज द आंसर. देखिएगा उसमें दो जीरो और इधर ऐड हो जाएंगे, यानी दो जीरो हट गए, दो जीरो इधर से ऐड हो जाते हैं, इधर से तो राइट साइड लेफ्ट साइड में तो जीरो जो ऐड होंगे वो तो हमेशा ही जीरो होंगे, लेकिन इधर से डिजिट हटेंगी तो शायद जीरो भी हो सकती हैं, वन भी हो सकती हैं, जो भी डिजिट हो. तो बी इज द करेक्ट आंसर. चूज ए सी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो प्रिंट एफ इज द कॉल्ड इज ए प्रिंट एफ फंक्शन. चूज ए सी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो दोनों ही होते हैं, गेट्स पुट्स, गेट्स कैर पुट्स कैर, तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? 123 दे रखा है. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप चला के जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा कोड निकाला है, जहाँ से भी कोड आया है डबल कोट के अंदर एक स्टार लगा दिया है, परसेंटाइल लिखा है 06D और स्टार और डबल कोट्स, और एक ही वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, तो एक ही वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, यानी कि ये इसका मतलब है 06D को जीरो कितनी बार आ रहा है, 6 बार आपका इसमें ज़ीरो प्रिंट करे, तो ज़ीरो जो प्रिंट हो रहा है वो 6 टाइम्स प्रिंट होगा. अब देखिए अगर आपकी डिजिट 3 डिजिट की, तो 3 ज़ीरो आपका राइट किस साइड में आएंगे? लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में 3 जीरो आ जाएंगे. मान लीजिए आप कब रन कराएंगे इसे, अगर आप यहाँ पे क्या कर दें 4 कर दें 4D, तो कितने 4 डिजिट का जो नंबर हो जाएगा उसमें 3 डिजिट तो दे रखी, यानी कि 0123 आएगा आंसर. फिर ये चेक कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप यहाँ पे 5D लिखते हैं तो 5 डिजिट में 5 जीरो होते हैं, तो 5 जीरो की जगह आपके 123 तो आएंगे ही आएंगे, उसके आगे 5 डिजिट पूरी भी करनी तो 2 जीरो ऐड होंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे ऐसा क्वेश्चन, अच्छा लगा रन करा के, मज़ा आता है इस टाइप के क्वेश्चंस को. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? तो 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, देखिएगा इसमें 0 3 डी दे रखा है,
तो 3 0 आने हैं, लेकिन डिजिट कितनी है, 6 नंबर की, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही प्रिंट कर देगा जो प्रिंट होगा। जब तक 6 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखोगे, क्योंकि 6 डिजिट का नंबर है, तब तक 0 इंसर्ट होने का नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज टू ओपन ए फाइल, एफ ओपन फंक्शन यूज करते हैं हम उसमें लिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 86, व्हाट इज द सी प्रोसेसर डायरेक्टिव टू यूज टू ऐड ए हेडर फाइल और एनी फाइल, तो हैश इंक्लूड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पढ़ते हैं, नेक्स्ट 86 हो गया। 87, व्हाट इज द आउटपुट फाइल जनरेटेड आफ्टर प्रोसेसिंग ए सी फाइल, तो वो क्या होती है, जब प्रोसेस हो जाती है तो exe क्रिएट करता है, तो .exe फाइल। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ .c फाइल, सोर्स कोड कहते हैं हम उसे, एग्जीक्यूटेबल तो एग्जीक्यूट होने के बाद होता है। 89 क्वेश्चन है, हाउ टू डिक्लेयर ए डबल पॉइंटर, तो इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल, बी इज द करेक्ट आंसर। वी कैन नॉट यूज द कीवर्ड ब्रेक, किसके अंदर ब्रेक यूज नहीं करते हम, व्हाइल लूप्स के अंदर तो करते ही हैं, फॉर भी करेंगे, डू व्हाइल भी करेंगे, इफ एल्स के अंदर कहाँ करते हैं हम, तो ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली नॉट यूज्ड। 91, व्हाट आर द सी फंक्शन यूज टू रीड और राइट ए फाइल इन टेक्स्ट मोड, तो एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ यूज होते हैं वहाँ पे, सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। इन टर्बो सी सर्च पाथ ऑफ डायरेक्टरीज फॉर हैश इंक्लूड इज मेंशन अंडर द ऑप्शन ऑफ इंक्लूड डायरेक्टरी, सही है, हैश इंक्लूड होता है डायरेक्टरीज में। नेक्स्ट इज 93, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप और टू प्री प्रोसेसिंग ए सी प्रोग्राम बिल्ड प्रोसेस, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है प्री प्रोसेसिंग के बाद, कंपाइलिंग। व्हाट इज द सी एडिटर, सी कोड एडिटर लाइक नोट पैड, जैसे नोट पैड एडिटर। 95 क्वेश्चन आपका कहता है, व्हाट इज द कीवर्ड यूज्ड टू डिक्लेयर ए सी फाइल पॉइंटर, देखिएगा हम लिखते हैं फाइल पॉइंटर को फाइल पॉइंटर fp, फाइल की स्पेलिंग में मिस्टेक है b, फाइल fp, फाइल पॉइंटर fp तो दे नहीं रखा, तो फाइल b इज़ द करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें, फाइल की स्पेलिंग मिसिंग है, अगर फाइल की स्पेलिंग है तो फाइल ही इज़ द करेक्ट आंसर होगा, तो b इसे भी b ही माने। What is the output file name of C program build process? Output जो file name होता है वो file name .exe कहलाती है। What is the input? Input क्या कहलाएगी जिसमें आप save करते हैं, तो file name .c. C is the correct answer. What is the output of C program with hash undef? एक हमने मैक्रो डिज़ाइन करा है हैश अनडेफ वर्ड, यानी डिफाइन ही नहीं करा है, हैश अनडिफाइंड वर्ड, प्रिंट ओके रिटर्न जीरो, तो ओके ही प्रिंट कर देगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट ए रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, असाइन द वैल्यू, असाइनमेंट असाइन करने के लिए होता है, तो इक्वल टू ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ सी स्टैंडर्ड स्टूडियो इन सी स्टूडियो .h, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं, होप सो बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर सही मिलेंगे, 99% 1-2% हो सकता है जल्दीबाजी में कोई गड़बड़ हो गया हो, क्योंकि आउटपुट्स मैंने निकाल के तो देखे नहीं है, बस रफली एक कर लिए थे मेंटेन करने के लिए, तो देख लेना, रन करें ज़रूर, बहुत अच्छे क्वेश्चन से इन्हें रन करके देखना, आप प्रॉपर कोड का यूज़ करके देखना, जो मैंने चेंजेस बताए उन्हें चेंज करके भी देखना, अच्छा लगेगा आपको। बहुत अच्छा पेपर था सी लैंग्वेज का, और आई थिंक डिजिटल में तैयारी करना स्टार्ट कर दें, डिजिटल का भी अगर इस टाइप का पेपर आया तो बहुत ध्यान से करें, हो सकता है थोड़ा अच्छा पेपर बने, स्टैंडर्ड पेपर बने। मैं चाहता हूँ बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा करें, कन्वर्जन ज़्यादा कर लें, उसमें भी डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन्स का यूज़ कर लें, कैसे कन्वर्जन हो, एंड गेट और गेट के बारे में ज़्यादा पढ़ लें। ओके, टेक केयर एवरीवन, तो देखिएगा, होप सो मेरी आंसर की मैच करे आपके आंसर की से और यूनिवर्सिटी के आंसर की से, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।